बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय जंगी बहरी जहाज में धमाका, नेवी के 3 अहलकार हलाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुत्तहिदा अरब अमीरात के वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता, हौसी हमलों की शदीद मजम्मत। शुमाली कोरिया गैर कानूनी मिसाइल तजर्बात बंद करे, अमरीकी तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन तनाज़ा, जर्मनी ने रूस को गैस पाइपलाइन ब्लॉक करने की धमकी दे दी। यूक्रेन के मसले पर रूस का अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात करने से इनकार। हौसी हमला, इसराइल की अमारात को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मावनत की पेशकश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूस को यूक्रेन पर हमला करने से बाज रहने का मशवरा। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात, अमरीका ने सलामती कौंसिल का अजलास तलब कर लिया। अरब ममालिक में कशीदगी, तेल की कीमतें 7 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मुंबई डॉक यार्ड में मौजूद भारतीय जंगी बहरी जहाज में धमाका हो गया, जिसके बायस भारतीय नेवी के 3 अहलकार हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नेवी के अहलकार बहरी जहाज INS रणवीर पर सवार थे। धमाका बहरी जहाज के अंदरूनी कंपाउंड में हुआ। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वाकये की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात पर हौसी बागियों की जानिब से किए जाने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता किया और यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हौसी बागियों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। कबल अज़ीम मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता किया और अबू ज़हबी हमले में पाकिस्तानी शहरी के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी वजीर खारजा ने अमराती हम मनसब से पाकिस्तानी शहरी की जल्द मैयत हवालगी के इंतजाम का मुतालबा किया और हौसी बागियों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे नाकाबले बर्दाश्त करार दिया। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के दारुलहुकूमत अबू ज़हबी में मंगल के रोज 3 पेट्रोलियम टैंकर्स पर ड्रोन रॉकेट हमले हुए, जिसमें पाकिस्तान समेत 3 अफराद जान बहक जबकि 6 जख्मी हुए। रॉकेट हमले के बाद अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब नई तामीर होने वाली इमारत में खौफनाक आतिशजदगी हुई थी। बाद अज़ां यमन के हौसी बागियों ने मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे अपने खिलाफ जारी ऑपरेशन का रद्द अमल करार दे दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया से कहा है कि वो गैर कानूनी मिसाइल तजर्बात बंद करे। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जमान नेट प्राइस ने अपने बयान में कहा कि शुमाली कोरिया बारे अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ने जनूबी कोरिया और जापानी हुकाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें मिसाइल तजर्बात पर तशवीश का इजहार किया गया और प्योंगयांग पर जोर दिया गया कि वो किसी पेशगी शरायत के बगैर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। उन्होंने जज़ीरा नमा कोरिया को जोहरी हथियारों से मुकम्मल तौर पर पाक करने के अमेरिका के अज़म का आदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस से जर्मनी आने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन ब्लॉक कर दी जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन मसले पर रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा साबित होने के बाद जर्मन चांसलर ने नेटो चीफ ने बर्लिन में मुलाकात की थी और अगले इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया था। इससे कबल भी वो अपने बयान में कह चुके हैं कि यूक्रेन पर हमले के नतीजे में जर्मनी किसी भी किस्म की पाबंदी लगाने में आज़ाद होगा, जिसमें रूस से आने वाली गैस पाइपलाइन को ब्लॉक करना भी शामिल है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यह बात साफ है कि यूक्रेन पर हमले को रोकने के लिए तमाम पहलुओं पर बहस की ज़रूरत है और अगर हालात इसके बरखिलाफ़ होते हैं तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब यूक्रेन और अमरीका ये बात कह चुके हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की वजह से जर्मनी रूस पर ज़्यादा इन्हिसार करने लग जाएगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन तनाज़ा पर अमेरिका से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने से इनकार कर दिया। बैन अल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि जब तक अमेरिका हमारे मुतालबात का जवाब नहीं देगा तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उस वक्त तक मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हो सकते जब तक मुतालबात का वाज़ह जवाब न दिया जाए। उम्मीद करें कि मुज़ाकरात दोबारा हों। उन्होंने कहा है कि हमसे वादा किया गया था कि मुतालबात का जवाब देंगे और हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि हमने मुस्तकबिल में दोबारा मुज़ाकरात के लिए नेटो इत्तेहाद और रूस को दावत दी है। इसमें दोनों फ्रीकैन के तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखा जाएगा ताकि यूक्रेन पर मुमकिन हमले को रोका जा सके। ख्याल रहे कि अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन यूक्रेन के दौरे पर बुध को रवाना होंगे जिसमें वो यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन को अमरीकी हमायत की यकीन दहानी करवाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अबू ज़हबी में होने वाले हौसी बागियों के हमले के बाद इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में मावनत की पेशकश कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बनियेट ने अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को ताज़ियती खत लिखा जिसमें उन्होंने एक रोज़ कबल अबू ज़हबी में होने वाले हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने हौसी बागियों के रॉकेट हमलों में 3 शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए साथ चलने और इंतहा पसंद तंजीमों को शिकस्त देने की पेशकश की। अपने खत में इसराइली वज़ीर आज़म ने लिखा कि इसराइल खित्ते में जंग और इंतहा पसंदी के खिलाफ है। हम अपने इतिहास से मुश्तरका दुश्मनों को बआसानी शिकस्त दे सकते हैं। नफ्ताली बनियेट ने लिखा कि इसराइल इस जंग में अबू ज़हबी के शाना बशाना है और हर किस्म के तआवुन को तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने से बाज रहने का मशवरा दे दिया। कौम से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना था कि यूक्रेन कोई आम मुल्क नहीं बल्कि एक ताकतवर मुल्क है जिसके बैन अल-अक़वामी सतह पर दोस्त मौजूद हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने मजीद कहा है कि किसी इलाके पर हमला करके इस पर कब्जा करना आसान नहीं और मास्को का यूक्रेन पर हमला करने का इरादा हकीकत पसंदाना नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात पर अमेरिका ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात के बाद अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड, मेक्सिको और अल्बानिया ने इजलास की हमायत कर दी। शुमाली कोरिया पर सलामती कौंसिल का इजलास जुमेरात को होगा। जापान का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात आलमी अमन के लिए खतरे हैं। शुमाली कोरिया ने रवामा सुपरसोनिक समेत 4 मुख्तलिफ मिसाइल के तजर्बात किए हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अरब ममालिक में कशीदगी तेल की कीमतें 7 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। अरब ममालिक में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात तेल की कीमतों पर भी पड़ने लगे और कीमतें 7 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अरब इत्तेहाद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमला किया गया था जिसमें एक पाकिस्तानी जांबहक हो गया था। इस हमले के बाद तेल की रसद में मुमकिन रुकावटों के पेश नज़र कीमत में $1 का इजाफा हुआ जो कि पिछले 7 साल में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। इस हवाले से माहरीन की जानिब से कहा गया है कि नए जगराफियाई व सियासी तनाव के बायस पूरी मार्केट में मुश्किल सूरतहाल के असार सामने आए हैं। खाम तेल की कीमत बढ़कर 85 सेंट या 1% बढ़कर $87.33 फी बैरल तक पहुंच गई है। हौसियों की जानिब से ड्रोन और मिसाइल की मदद से ऑयल टैंकर को निशाना बनाए जाने के बाद भी खबरदार किया गया है कि वो मजीद हदाक को भी निशाना बना सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा है कि वो इन दहशतगर्द हमलों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। जबकि माशी तजिया कारों की जानिब से ये भी कहा गया है कि तेल की कीमतों में इजाफे की एक वजह सख्त सर्द मौसम भी है क्योंकि गर्मी के लिए ईंधन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। अमारात की तेल कंपनी ने मजीद कहा है कि मिसाइल हमले के बाद भी अपने मकामी और बैन अल-अक़वामी खरीदारों के लिए तेल की बिला तातुल सप्लाई के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।